बप्पीदा के गानों से लेकर रविन्द्रनाथ टैगोर और स्वामी विवेकानंद जी की पोएट्री, हर गली में आर्टिस्ट्री से लेकर 12 महीने की फेस्टिविटीज, रसगुल्ला हो या मिष्टी दोई, हर चीज में मिठास। वेलकम टू द सिटी ऑफ जॉय, द हेरिटेज टाउन ऑफ कोलकाता। यहां मैं अपनी टू बी बंगाली फ्रेंड प्रीति की शादी में आया था, तो पूरी कहानी के लिए जी मेरे इस खूबसूरत सफर की शुरुआत हुई इश्क मोहब्बत की नगरी दिल्ली से, जहां हमेशा की तरह अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट पकड़ने मैं एयरपोर्ट पहुंचा। Ladies and gentlemen, boys and girls, we welcome you on board flight 6104. And since it was a connecting flight, तो नवाबों के शहर लखनऊ में थोड़ा सा वेट करके खुशी से हम कोलकाता निकले ही थे, पर फिर regarding Calcutta, as of for now, there is a lot of heavy traffic congestion in Calcutta. Hence, the time given for our touchdown was a lot later than we could accept. That is, we'll be running short of fuel in that case if we'll be landing in Calcutta. Hence, we had no other option but to divert to Bhubaneswar. Petrol भरवा रहा है भाई plane में। पीछे देखो लोग बौखलाए हुए हैं। और है ना? ये तो कुछ लोग मिल गए मेरे को यार यहाँ पे। तो इनके साथ थोड़ा time pass अगर हो रहा है। Hi there, भाई। मजा आ रहा है। कनेक्टिंग फ्लाइट ही हुई, क्या हो गई यार? दिस सिचुएशन इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल एंड देयर इज सम एयर ट्रैफिक कंजेशन इन कलकत्ता, दैट इज द रीजन फॉर दिस डायवर्जन। फाइनली 2-3 घंटे के इस ड्रामे के बाद वेलकम टू कोलकाता। फाइनली कोलकाता, 3 घंटे फ्लाइट लेना चाहे यार, 11 बजे की फ्लाइट 2-2:30 बजे जाके पहुंची है। फ्लाइट तो बिल्कुल भी भालो ना चाहिए। अब इस शहर को देखते हैं कितना अच्छा है। लेट्स एक्सप्लोर द सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। जी, द सिटी ऑफ जॉय, और ये जॉयनेस आपको इन पीली टैक्सीज को ही देखते महसूस हो जाएगी। मेरी तरह कैमरे से इसका पीछा आप भी जरूर करना, और हाँ दीदी का भी। ट्रैफिक में भी इसी को निहारते आई फाइनली रीच द होटल एंड मेट माई ट्रैवल पार्टनर ऑफ कोलकाता। पर भाई के इंट्रो से पहले थोड़ा चाय पानी हो जाए। उस शाम वी जस्ट रोम्ड इन द गरियाहट मार्केट विच वॉज वॉकेबल फ्रॉम आर होटल। अच्छे कैफेज के साथ साथ यहाँ आपको काफी छोटी मोटी चीजें शॉपिंग के लिए मिल जाएंगी, पर अपनी नजर तो इन करोड़ों की लॉटरी पे थी, जिसे देखते हम पहुंचे अपनी इस भूख का इलाज करने। एंड कोलकाता की वाइब अब फाइनली दिखनी शुरू हो गई थी। सो गाइस, इतने हेक्टिक डे के बाद मतलब फ्लाइट्स ने तो ऐसी तैसी कर दी, और अभी हम लोग बैठे हैं एक रेस्टोरेंट में जिसका नाम है अमीलिया। अब यहाँ की बहुत फेमस बिरयानी है, तो हम लोग यहाँ पे आए हैं। ये हमारे अमित भाई जो हमारे बैंगलोर ऑफिस में थे हमारे साथ एलएनटी में, ये भी हमारे साथ आए शादी में, और बंगाल घुमाने के लिए हमारे पास हैं 2 जने हमारे, जो कि मेरे को इंस्टाग्राम पे मिले हैं और यहाँ पे आके मेरे को होस्ट कर रहे हैं। तो भाई इस वीडियो में कुछ भी होगा ना गलती, तो इन दोनों की वजह से होगी। मैंने कुछ घुमाया नहीं है, कुछ नहीं किया। शी इज प्रेरणा, हाय, ही इज अनुभव, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है भाई ये कोलकाता की, कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब बेटा सब जानते हैं। चलो अब हम लोग बिरयानी एंजॉय करते हैं। बिरयानी में आलू? आलू नहीं डाला, लोग लिटरली नहीं खाने। बिल्कुल, ऐसा मैंने सुना है कि शायद किसी टाइम पे मीट की कमी हो गई थी, तो यहाँ पे लोग आलू डालना शुरू कर दिए थे। मीट नहीं तो आलू, बाकी मैं भैया चिकन वाला हूँ, मैं चिकन बिरयानी खा रहा हूँ। एक दूसरे का थोड़ा सा दिमाग और फिरनी खाने के बाद हम लोग पहुंचे अपनी दोस्त प्रीति की संगीत पर, और नाच नाच के कोलकाता की इस पहली शाम को समाप्त किया। ऑलराइट गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कोलकाता। फाइनली सुबह हुई है, 9 बज रहे हैं। कल प्रीति के संगीत के बाद हम लोग अपने होटल आए और बस पड़ गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे, बहुत ज़्यादा हेक्टिक डे था। अभी सुबह सुबह हुई है, 1 दिन हमारे पास कोलकाता घूमने के लिए, तो चलो चलते हैं। पीछे टैक्सी कराई है हम लोगों ने, यहाँ से हम लोग अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो चलो अमित भाई चले गया, चलो घूमते हैं एक दिन। सुबह सुबह पीली टैक्सी में घूमने का एक अलग ही आनंद था,
और ऐसे में शैलेंद्र भाई जैसे जॉली इंसान मिल जाए तो दिन ही बन जाता है। सिटी ऑफ जॉय की पहली मुस्कान, वाह। केसर डालने सर, मजा आ जाएगा। चाय पियोगे केसर वाली चाय? मजा आ जाएगा। भाई चाय पीने के बाद बहुत खतरनाक चाय थी वहाँ पे, अरुण टी स्टॉल। हम लोग यहाँ पे आए भी गुप्ता ब्रदर्स पे, यहाँ हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। बहुत फेमस दुकान है यहाँ की। और यहाँ हम पिघल गए, मिठाइयाँ देख के जोधपुर की याद आ गई कसम से, पर कोलकाता का स्वैग भी कम कहाँ। भाई सैक्स है भाई, मजा आ गया पी के। और रसगुल्ला कैसे भूल सकते हैं भाई। कोलकाता के लोग हैवी के साथ साथ काफी वैरायटी वाला ब्रेकफास्ट भी करते हैं, और पीछे तो उस दिन हम भी नहीं रहे। फिर इसी बीच एक बार फिर किया हमें हमारे भदूरों ने ज्वाइन। तो प्रेरणा आज मेरे को कहाँ कहाँ घुमाने वाले हो आप? आज अपन जा रहे हैं सबसे पहले विक्टोरिया, देन वी विल गो टू प्रिंसेप घाट। हम लोग कैथेड्रल भी जाने वाले हैं। इसके बाद 2 घंटे की छुट्टी, आप लोग आराम से घूमोगे, फिर आप रिटर्न आएंगे। अब तब तक हावड़ा वगैरह घूम लोगे? फर्स्ट टाइम के हिसाब से ठीक ही है, चलो। सो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं विक्टोरिया मेमोरियल मेरे पीछे, तो चलो दिखाते हैं विक्टोरिया मेमोरियल में क्या है। गाइस हम लोग फाइनली विक्टोरिया मेमोरियल पहुंच चुके हैं। तो बेसिकली 1906 से 1921 के बीच में बना था इंडिया ब्रिटिशर्स टाइम में, कुछ 1 करोड़ रुपए का बना था उस टाइम पे। तो पीछे बहुत अच्छा आर्किटेक्चर है इसका, यहाँ का ताजमहल कहलाता है ये। अभी हम लोग अंदर से घूमते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा बहुत। पीछे वहाँ पे एक चर्च भी दिख रहा है, इसके बाद यहाँ पे चर्च जाएंगे। यू नो दिस मेमोरियल इज डेडिकेटेड टू क्वीन विक्टोरिया ऑफ यूके। ऑल्दो शी डाइड इन 1901, पर 1906 में द प्रिंस ऑफ वेल्स, जो इंडिया के ब्रिटिश रूलर भी थे, उन्होंने ये क्वीन की मेमोरी के लिए बनवाया था। फॉर नाउ ये मेमोरियल इज जस्ट अ म्यूजियम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। हिस्ट्री की काफी बातें हो गई, अभी कुछ चटपटा खाते हैं। और कोलकाता आके से पूरी दही पूरी नहीं खाया तो क्या खाया। विक्टोरिया मेमोरियल के जस्ट पीछे देयर इज अ प्लेस कॉल्ड मैदान, वेयर यू विल सी द रियल पैशन ऑफ क्रिकेट अमंगस्ट द कोलकाता पीपल। ईडन गार्डन, गांगुली दादा, इटा खूब भालो। मैदान के बाद अब बारी थी थोड़ा स्ट्रीट स्ट्रॉल करने की, तो हम निकले यहाँ की फेमस न्यू मार्केट की तरफ। गाइस हम लोग हैं कोलकाता की न्यू मार्केट में, जो विक्टोरिया से पैदल का रास्ता था। यहाँ पे पीछे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, छोटी मोटी शॉपिंग करनी है तो यहाँ पे कर सकते हो। सस्ती मस्ती भी, महंगी भी, हर तरीके की चीज़ें हैं। पीछे ये लाल कलर की बिल्डिंग बनी हुई है, इसके आसपास पूरी मार्केट ही मार्केट है। यहाँ पे आप बेल्ट, वॉलेट, बैग्स, दुनिया भर की छोटी मोटी चीज़ें, ज्वेलरी वगैरह सब है यहाँ पे। बहुत भीड़ है पूरी मार्केट में, तो चलो एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा सा। स्ट्रॉल करते डोमिनोज KFC तो हर जगह दिख जाता है, पर हमें यहाँ जो अलग दिखा वो था लटकता हुआ ये स्पाइडरमैन। भाई मजा आ रहा है बहुत। भाई कोलकाता में बहुत गर्मी है आज, जबकि नवंबर का महीना चल रहा है, बट ठीक है हमारे पास एक दिन है। अभी हम लोग न्यू मार्केट से चर्च की तरफ जा रहे हैं, जो विक्टोरिया के जस्ट बगल में है, सेंट कैथरल समथिंग चर्च है। मजा आ रहा है यार बड़ा पीली टैक्सी में घूमने में। बोला जाता है कि दिस कैथेड्रल वाज बिल्ड इन 1847 एंड इज द बिगेस्ट चर्च इन कलकत्ता। थोड़ा और हिस्ट्री में जाएं तो ये एशिया का पहला एग्निकल कैथेड्रल था, जो ब्रिटिशर्स ने ओवरसीज में बनवाया था। वो सेंट्रल कलकत्ता तो काफी घूम लिया था, और अब बारी थी थोड़ा नॉर्थ कलकत्ता भी एक्सप्लोर करने की। तो गाइस चर्च घूमने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं कॉलेज स्ट्रीट, जो यहाँ की बहुत पुरानी स्ट्रीट है। हमें बहुत सारी किताबें वगैरह मिलती है, मतलब मोर देन 2 लाख बुक्स भी मिलती है एक शॉप पे, तो वहाँ पे बहुत फेमस है। ऊपर से वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है इंडियन कॉफ़ी हाउस, जो मेरे को इंटरनेट में मिला था, तो हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। थोड़ा बहुत लंच कर रहे हैं, हल्का फुल्का खाते पीते चल रहे हैं। सो गाइस हम लोग फाइनली पहुँच गए हैं कॉलेज स्ट्रीट, जिससे यहाँ पे बहुत सारे बुक स्टॉल्स वगैरह हैं। संडे है आज, थोड़ा बंद सा लग रहा है। यू नो द पीपल ऑफ दिस स्ट्रीट क्लेम्स कि दुनिया की ऐसी कोई बुक बनी ही नहीं जो यहाँ ना मिले, वो भी सेकंड हैंड प्राइजेस पे। वो
कोलकाता अपने कल्चर और ओल्ड हेरिटेज को काफी मेंटेन करके रखता है, साथ ही साथ इन यूनिक स्ट्रीट्स और रेस्टोरेंट्स को भी। और इन्हीं हेरिटेज बुकशॉप्स के बीच में छुपा था ये इंडियन कॉफी हाउस, जहाँ के रेट्स, एम्बियंस, यहाँ तक कि वेटर्स भी हेरिटेज वाइब दे रहे थे। पर कॉफी के नाम पे कॉफी नहीं है बाबा, चीनी और पानी है। नहीं, थोड़ा सा दूध भी है। बहुत ज्यादा मीठा है यार, बहुत ज्यादा मीठा है। बेस्ट थिंग ऑफ दिस प्लेस, इस जगह ने मानो समय को एकदम रोक के रखा हुआ है। अ लॉट ऑफ बिल्डिंग्स इन कलकत्ता इज रेड इन कलर और स्ट्रीट्स तो फुल ऑफ कल्चर। और इसी को निहारते हम चले यहाँ की नकोड़ा मस्जिद, विच वॉज अनदर इंस्टाग्रामेबल स्पॉट। नमाज की वजह से मस्जिद तो बंद मिला, हेंस वी वर अगेन बैक ऑन द स्ट्रीट्स एंड सॉ दिस ह्यूमन रिक्शा। यू नो दीस पीपल डोंट वॉन्ट टू चेंज बिकॉज दे वॉन्ट टू मेंटेन देयर हेरिटेज। ऑसम थिंग ब्रो। स्ट्रीट्स, रेस्टोरेंट्स, कल्चर सब देख लिया, अब बारी थी कलकत्ता की हुगली घाटों को एक्सप्लोर करने की। सो गाइस, इंडियन कॉफी हाउस के बाद हम लोग अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन आए हैं, जो है मुल्लिक घाट मेरे पीछे। और यहाँ से फाइनली कोलकाता की शान हावड़ा ब्रिज दिखता है, इतना प्यारा। वो तो मुल्लिक घाट इसलिए फेमस है, यहाँ के जो यहाँ पे एक फूलों की मार्केट है जहाँ के फूल यूरोप तक एक्सपोर्ट होते हैं बोला जाता है। बाकी एक चीज़ मेरे को बड़ी गंदी लगी, इंस्टाग्राम पे हम लोग देखते हैं इतनी क्लीन सिटी है कोलकाता, बट ये घाटों का हाल देखो यार, इतनी गंदगी एंड ऑल, ये चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगी। अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे बाबूघाट और वहाँ से सनसेट का टाइम हो रहा है, बोटिंग करने का सीन है, देखते हैं क्या मिलता है। इस जगह की सुगंध में ही कलकत्ता का नशा छुपा था। वैसे तो इसके बाद का प्लान कोलकाता की एक अनयूजुअल प्लेस कुमोरतुली जाने का था, वेयर यू कैन फाइंड मेकिंग ऑफ दिस आइडल्स ऑफ गॉड्स बाय द लोकल आर्टिस्ट। कलकत्ता अपने फेस्टिवल्स को काफी धूमधाम से सेलिब्रेट करता है और दुर्गा पूजा पे ये जगह इज अ ग्रैंड वाइब। ऑल्सो इफ यू हैव अनदर डे इन कलकत्ता देन यू कैन विजिट द फेमस दक्षिणेश्वर काली टेम्पल। हुगली रिवर के बैंक्स पे सिचुएटेड इस टेम्पल की काफी मान्यता है। जाना तो उस दिन प्रिंसेप घाट भी था, विच इज अनदर ब्यूटीफुल लोकेशन, पर अपने नसीब में था आज की अपनी इस सनसेट लोकेशन पर जाना। सो गाइस, मुल्लिक घाट के फूलों की मार्केट के बाद अब हम लोग जा रहे हैं बाबूघाट बोटिंग करने, देखते हैं सनसेट का टाइम है, सनसेट मिलेगा नहीं मिलेगा ही नहीं पता, बट स्काई के कलर्स तो मिल ही जाएंगे। थोड़ा रिलैक्स करते हैं, बहुत ज़्यादा घूम लिया है। बाकी अंकल की टैक्सी में, अंकल की काली पीली में हम लोग घूम रहे हैं, 35 साल से चला रहे हैं अंकल ये। लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब, भाई कर दी दे रहा, ठोक दो ठोक दो। जस्ट वाओ। तो गाइस, हम लोग फाइनली पहुंच गए बाबूघाट, यहाँ पे फेरी राइड होती है, सनसेट ऑलरेडी हो चुका है। ये यहाँ की टिकट है 12 रुपए की, इस पीछे फेरी की आने और जाने की। तो यहाँ से वो दिख रहा है हावड़ा ब्रिज, बहुत ज्यादा थक चुके हैं यार, अभी इसकी बहुत जरूरत है, चलो रिलैक्स करते हैं। 12 रुपए में इतना प्यारा सनसेट, आंसू ही आ गए यार। इस भागते हुए दिन को परफेक्टली स्लो डाउन कर दिया यार इस फेरी राइड ने। सच पीसफुल वाइब्स। पर ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट चीज तो रह ही गई। ना ना, विक्टोरिया मेमोरियल को रात में देखना नहीं यार। कोलकाता आए और ट्राम में ना बैठे तो क्या खाक कोलकाता आए। तुझे देखा तो ये जाना। लकीली DDLJ स्टाइल में हमें आज की लास्ट ट्राम मिल ही गई, और स्पेशल कैब करा के इसके लिए इतना दूर आना एकदम सफल रहा। इसी के बाद तो मन में आया, कोलकाता आमी तुम्हाके भालोबाशी। कोलकाता की उस दिन हम रात भी नहीं माने, नाइट लाइफ सीन्स अपने नॉर्थ वाले तो नहीं थे पर ओके थे।
एक तो हो गई नाइट लाइफ वाली पार्टी, पर शादी पार्टी अभी बाकी थी मेरे दोस्त। कोलकाता के हुलुलुलु वाली वेडिंग देखना वॉज इंडीड अ चेरी ऑन द केक। फिर इसी खुशी में अगली सुबह कोलकाता को अलविदा कहकर हम निकल पड़े एक और नए एडवेंचर पे।